amazing. I don't know what does he eat and what does he do. But then on a serious note, you know, I would really like to congratulate him. And yeah, let's see. I'm looking forward to watch the film. And let's see, I mean, you know how it goes. अभी एक OTT फिल्म खत्म की है और आपको पता है लास्ट दिसंबर को एक मलयालम फिल्म आउट हुई थी एंड आई एम शूटिंग फॉर समथिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंथ सो आई मीन यू नो प्रॉब्ली 2-3 प्रोजेक्ट्स माइट कम दिस ईयर आई वुडंट माइंड गोइंग फॉर खतरों के खिलाड़ी आई रियली लाइक डूइंग यू नो सम स्टंट्स and stuff like that and any which way I am you know into boxing and MMA I would like to do something like that I don't know about Big Boss but then Khatro probably yes I might yeah अरे आई जस्ट फील इट्स इंडियन सिनेमा यू नो हम हॉलीवुड की बात करते हैं तो सारे फिल्म साथ में आती है हम बॉलीवुड की बात करते हैं सारी फिल्म साथ में आती है आई डोंट पर्सनली इफ यू आस्क मी आई डोंट थिंक एनी डिफरेंस यू नो बिटवीन अ साउथ फिल्म इंडस्ट्री और यू नो प्रॉब्ली बॉलीवुड आई थिंक यू नो एवरीथिंग एंड आई थिंक एवरीबडी इज अ पार्ट ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री तो मैं ऐसे नहीं देखती हूँ Thank you. सबसे पहले तो इस बारे में वो चीज़ है वो इंस्पिरेशन कहाँ से है क्या चैलेंज था सब कुछ वेल पहले तो मैं आप सबका एक ऐतिहासिक मोमेंट में सबका स्वागत करना चाहूँगा दिस इज़ अ हिस्टोरिक मोमेंट सो एवरीबडी आउट हियर यू ऑल आर विटनेसिंग एंड यू ऑल आर इन्वॉल्व्ड एंड यू ऑल आर अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री क्योंकि ये दुनिया की नॉट इंडियाज नॉट एशियाज लेकिन ये दुनिया की पहली NFT फंडेड फिल्म है सो फर्स्टली कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू ऑल टू बी हियर ये हम सब के लिए एक गौरव की बात है क्योंकि ये सिर्फ मैंने नहीं किया है अकेले ये पूरी इंडियन NFT कम्युनिटी ने की है आपने की है हम सब ने साथ में की है और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि दुनिया भर की आँखें जो हैं जो नज़रें हैं वो मैग्नीफाइंग ग्लास से हम सबको इस फिल्म पे देख रही हैं बहुत बहुत जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है जैसे कि द US और इवन इफ़ यू गो अप टू चाइना ऑन द ईस्टर्न साइड वहाँ पर NFTs का जो प्रयोग होता है वो काफ़ी आगे बढ़ गया है लेकिन उसके बावजूद इंडिया से पहली NFT फंडेड फिल्म आई है और ये बहुत ही बड़ी बात हो गई है सो थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट आप यहाँ पर आए हैं ये बहुत ही बड़ी चीज़ है और हम इस NFT की दुनिया को एक मास मूवमेंट बनाना चाहते हैं क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे जो देश है वी हैव मोर देन 1.3 to 1.4 billion पीपल और सिर्फ इस 1.3 और 1.4 बिलियन में ही एक छोटा सा जो एक परसेंटाइल है इतना छोटा सा परसेंटाइल है और फिर भी वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट क्रिप्टो यूजर्स इन दिस एंटायर वर्ल्ड सो आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट प्लेस टू बी और इसका जो पोटेंशियल है वो आप समझ भी नहीं सकते हैं इस वक्त ये आज हमने क्या कर दिखाया है मैं आपको थोड़ी सी इसकी एक ब्लूप्रिंट बन गया है एक रास्ता बन गया है पहले लोग जब फिल्म बनाना चाहते थे जैसे कि मैं कैसे फिल्म बनाता मैं लोगों के पास जाता मैं बोलता कि भाई थोड़े से पैसे दे दो मैं अपने चाचा के पास जाता मैं बोलता थोड़ा पैसे दे दो मैं अपने खुद के थोड़े से पैसे डाल देता और वो सब करके भी जो मेरे चाचा हैं जो मेरे दोस्त हैं जो इन्वेस्टर्स हैं वो बोलते कि यहाँ पर यार ये चेंज कर ले यहाँ पर एक आइटम नंबर डाल दो यहाँ पर ये कर दो बहुत ही अच्छे सजेशंस हैं लेकिन मैं अपनी खुद की पिक्चर अपनी खुद की विजन को आगे नहीं बढ़ा सकता था अब क्या हुआ है कि मैंने आप सबकी मदद से और एक सोच की मदद से एक ऐसा एक प्रोसेस किया है जो जहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग हैं जैसे कि आप सर आप एक जाने माने एक प्रोड्यूसर हैं आपने बकायदा 2-3 फिल्म्स प्रोड्यूस किए हैं रीजनल सिनेमा बहुत है छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स बहुत हैं और हमने नेपोटिज्म का नाम भी सुना है तो आई डोंट वांट टू गेट कंट्रोवर्शियल लेकिन अगर आप मेरी तरह अपनी खुद की एक छोटी सी फिल्म बनाना चाहते हैं तो ये एक रास्ता आ गया है जो दुनिया भर इसे इस्तेमाल करने वाला है मैंने जून में अपना पहला NFT बनाया था और मैं नहीं जानता था कि उस वक्त उस NFT बनाकर मैं इस देश का द फर्स्ट इंडियन एक्टर टू हैव मेड एंड सोल्ड एन NFT ये बहुत ही बड़ी और एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मुझमें जो मैंने उसे चेस नहीं किया वो हो गया और उसके बाद NFTs मेरे बनते गए
बिकते गए और मैं काफ़ी पॉपुलर हो गया इस NFT दुनिया में। मैं यहाँ पर भगवान की कृपा से पिछले 27 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ। मेरी शुरुआत हुई थी डिज्नी से, विकी बेताल पे, बहुत सारे अमेजिंग शोज जैसे कि हिप हिप हो रहे, उसके डायरेक्टर नुपुर अस्थाना यहाँ पर हैं, सुचित्रा पिल्ले अंदर बैठी हैं, वो आएंगी अभी, रुशाद राणा है, हम सब अभी तक दोस्त हैं। बहुत बढ़िया फिल्म्स जैसे कि इश्क विश, जन्नत, किस्मत कनेक्शन, IPL, ये सब मेरे रास्ते में आ गई और उसके लिए मैं हमेशा बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि इस टिकटॉक और इंस्टाग्राम के एक मिनट के जो हमारा एक सेकंड, 10 सेकंड का जो हमारा माइंड रिटेन हुआ है, 27 साल तक आप लोगों ने मुझे झेला है और अभी भी झेल रहे हो, उसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया भाई। तो मैं भी चाहता था कि मैं एक फ़िल्म बनाऊँ और ये एक रास्ता निकल गया। मैंने अपने NFTs बेचे और उस पैसों से जो पैसे आए, मैंने सोचा कि मैं एक फ़िल्म बनाऊँ। फिल्म का नाम है इल्म, जैसे कि आप देख सकते हैं, इल्म का मतलब है नॉलेज, एक शुरुआत, एक अंडरडॉग, एक इंस्पिरेशन। और आज सब हम सब एक बहुत ही कठिन टाइम से गुजर रहे, अभी भी हैं, जो पैंडेमिक हुआ है, जो दुनिया भर में वॉर्स हो रहे हैं, वो एक दूसरी चीज़ है, लेकिन हम सब यहाँ पर, हम सब ने एक कुछ खोया है, हमारे हिस्से का एक पर्सनालिटी का कुछ खोया है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके माँ बाप उनसे छिन गए कोविड की वजह से और उन्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ शायद रहना पड़ा, और उनके अंदर एक कला थी और अब वो कला पता नहीं बाहर आएगी कि नहीं, क्योंकि अब तो उन्हें सर्वाइवल पर सोचना है। ये कहानी है एक 11 साल के लड़के और उसकी दादी के बीच में, जब इनके जो पेरेंट्स हैं वो दो तीन महीने पहले एक एक्सीडेंट में अनफॉर्चुनेटली इनसे छिन जाते हैं। और ये जो लड़का है, आप तो समझते हैं कि जब 10-11 साल के बच्चे होते हैं, भगवान ना करे कि अगर उनके पेरेंट्स उनसे छिन जाए तो वो मतलब शटडाउन हो जाते हैं, क्योंकि वो एक वक्त होता है जब आप अपने पेरेंट्स से सबसे नज़दीक एक बॉन्ड बनता है और वो आपके लिए पूरी दुनिया है। तो ये शटडाउन हो जाता है और ये अपने दादी के साथ रहने लगता है, और फिर एक मोमेंट आता है जब इसकी दादी भी शायद उससे छिन जाए, और ये लड़का कैसे उसमें कामयाब होता है कि वो अपनी ज़िंदगी को वापस समेट ले, या होता भी है कि नहीं, ये है एक छोटी सी कहानी। ये एक 35-40 मिनट की एक शॉर्ट फीचर फिल्म है जिसमें बकायदा बहुत उम्दा म्यूज़िक है। समर स्वरूप है जो इसके म्यूज़िक डायरेक्टर है और सिंगर भी है, और वो भी अंदर है। मैं चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब उनसे भी बात करें अंदर, हम एक शो भी करेंगे उनके साथ। अभिजीत वगानी जो एक बहुत पॉपुलर कंपोज़र है, उन्होंने बैकग्राउंड म्यूज़िक की है। सोनल मेहरोत्रा कपूर जो आपके ही फील्ड में है, बहुत ही पॉपुलर जर्नलिस्ट है, पहले NDTV के साथ थे, अब मनी कंट्रोल के साथ हैं, उन्होंने यहाँ पर एक स्पेशल अपेयरेंस की है। सुचित्रा पिल्ले ने की है। तो बहुत सारे लोगों ने अपना साहित्य, अपना एक सपोर्ट दिया है, और इस सब को मिलाकर हमने तहे 2 महीने में एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें हमने NFTs क्रिएट किए, उन्हें बेचे, और उस पैसों से जून से लेकर आज तक जो हमने कलेक्ट किया, उससे मैंने एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है इल। थोड़ा ज़्यादा बोल दिया तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये एक नया टॉपिक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब इसकी अहमियत समझें, क्योंकि मैं आपको ये सबके सामने एक ऐलान करना चाहता हूँ, छोटी मुँह बड़ी बात, माफ़ कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ़ films are going to be funded with NFTs in the future. It is a question of when. And ladies and gentlemen, that when has begun now, has begun today, has begun in India. And Ilm is the world's first NFT funded film. Thank you very much. Congratulations. Move on the side a little bit. Stand. Just wait here, wait here. Please wait here. Come. हाय, कांग्रेस विशाल, इनसे हिंदी में बात कीजिएगा। ठीक है, ठीक है जी, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये निफ्टी ड्रीम्स जो आप देख रहे हैं, ये है निक कल्याणी, और ये रियली जो है वो सपनों के सौदागर हैं, और मैं बता देता हूँ क्यों। इस फिल्म का बेसिक फंडा था कि हम NFTs बेचे और जो पैसे उनमें से आए, हम उसका इस्तेमाल करके ये फिल्म बनाए, और फ्यूचर में भी हम ये करने वाले हैं। अब जो भी ये फिल्म ये नहीं है कि बहुत इस वक्त कि इट्स नॉट सच अ बिग बजट फिल्म कि ये इतने बड़े पैसे बनाएगा या इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना होगा, लेकिन होगा ज़रूर बहुत कुछ। लेकिन जो खरीदता है इस NFTs को, इन्हें कलेक्टर्स कहते हैं, उनको क्या फ़ायदा होता है? तो जब आप NFT बेचते हो,
तो उससे इस फिल्म यानी कि इल्म प्रोजेक्ट के लिए जो आप NFTs खरीदते हो, उससे एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको इस फिल्म में प्रोड्यूसर का क्रेडिट मिलेगा। अब मैं पिछले 27 साल से काम कर रहा हूँ और मैं जब भी अपना नाम देखता हूँ स्क्रीन पर तो मतलब मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं। हम सब श्योर आप सब इससे आइडेंटिफाई करते हो। तो सबसे बड़ी जो यूटिलिटी है इसकी कि आप जब देखोगे इस फिल्म में तो आप इनके कलेक्टर्स के नाम देखेंगे। इसके अलावा हमने डिसाइड किया है कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री टेलीविजन इंडस्ट्री में जिन्हें सबसे ज़्यादा संकट हुआ, जिससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ कोविड के वक्त, वो थे हमारे डेली वेज वर्कर्स, हमारे ड्रेस दादा, हमारे स्पॉट दादा, हमारे लाइट मैन, क्योंकि काम ही नहीं था। तो हमने डिसाइड किया है कि इस फिल्म से जो भी हमें रेवेन्यू मिलेगा उसका एक हिस्सा हम दो चीज़ में बांटेंगे। नंबर वन, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर द डेली वेज वर्कर्स, यानी कि हमारे फिल्म में हम जितने भी डेली वेज वर्कर्स को अफोर्ड कर सके और उन्हें नौकरी दे सके और उन्हें एक क्रेडिबिलिटी और एक एम्प्लॉयमेंट दे सके हम देंगे, और उसके बावजूद हम उन्हें अपने तरफ से अ थैंक यू ग्रैटिट्यूड देंगे। तो ये एक दूसरी चीज़ है। अब ये है निक कल्याणी, और हमारे फिल्म की जो NFTs थे वो थे चार कैटेगरीज में, एक प्लैटिनम टिकट, एक सिल्वर टिकट, एक ब्रॉन्ज टिकट और एक गोल्ड टिकट। और प्लैटिनम का एक ही टिकट था और ये ख़रीदा है मिस्टर निक कल्याणी ने। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। निक रहते हैं अमेरिका में और ये है इंडियन। ये यहाँ पर आई थिंक यहाँ से कुछ 40 साल पहले अमेरिका के लिए रवाना हुए थे और इन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप्स क्रिएट किए हैं और बहुत नाम कमाया है, पैसे भी कमाए हैं काफ़ी। लेकिन पॉइंट ये है कि उसके साथ भला किया है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर राहुल जी हैं, आई ऑल्सो रिक्वेस्ट हिम टू कम, उर्वी हैं, बहुत सारे हमारे कलेक्टर्स अलग अलग शहर से यहाँ पर आए हैं जिन्होंने हमारे जो NFT टिकट्स हैं वो कनेक्ट किए हैं और उसके वजह से हमने फिल्म बनाई। अब आपका सवाल था कि हम आगे क्या करने वाले हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो धीरे धीरे टू मेक फिल्म्स एंड टू मेक वेब सीरीज विथ बिगर बजट्स, विच इज़ गोइंग टू बी फंडेड प्योरली फ्रॉम द ब्लॉकचेन, यानी कि NFT से ये फंड हो सकता है, क्रिप्टो से फंड हो सकता है, कहीं से भी फंड हो सकता है जहाँ ब्लॉकचेन से आए। और वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं निक कल्याणी, और निक कल्याणी के जो नया वेंचर है उनका नाम है NFT ड्रीम्स, यानी कि निफ्टी ड्रीम्स, जिसमें वो आर्टिस्ट्स को बैक करना चाहते हैं, उन्हें पावर देना चाहते हैं, और वो जो शब्द होता है स्टार्विंग आर्टिस्ट वो हटाकर एक्सट्रीमली प्रॉस्परस एंड वेल टू डू आर्टिस्ट का वो दर्जा देना चाहते हैं। सो आई थैंक यू फॉर दैट ग्रेट वेंचर। थैंक यू वेरी मच। अगर आप निक से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं यू कैन गो राइट अहेड एंड आस्क। श्योर, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। सर आप क्या कहना चाहेंगे जो उस फिल्म के फिल्म जो बनाई है विशाल ने, और क्या क्या खास बात लगी थी आपको? श्योर, डू यू माइंड इफ आई answer in yeah, English? Yeah, absolutely. Yeah, cool. So when Vishal approached me, it took me literally 5 seconds to say yes, because I see him as a very credible person in this space, who's an innovator and who wanted to, you know, just break new ground. And I felt like this is a huge, momentous opportunity for me to get into Bollywood. I am originally from Bombay. I left here when I was 18. And Bollywood runs in my blood, and so for me it was a great opportunity to connect and to actually do something useful. When he later told me that the funds from the film would be used to help some of the people working on the stuff, the daily wage workers, that was even better. So yeah, with Nifty Dreams we are gonna collaborate and do this bigger, better, and just continue to break new ground and just do some amazing things in the space and put like Bollywood's already on the map, we're going to put it on the crypto map as well. So it's very exciting. Here we are. It's a pretty big announcement today ki Nifty Dreams and VMF, which is Vishal Malhotra Films, are going to be coming up with our next venture, which is going to be bigger. It's going to be I don't know if it's going to be better, because this is going to create some standards, but that's where we stand. So thank you very much. Absolutely. Thank you. तुम जो कुछ भी बना रहे हो, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट, एंड आई एम वेरी प्राउड विद व्हाट ही हैज कम अप विद। यू नो NFTs के बारे में फ्रैंकली स्पीकिंग, ओ देयर इज द स्टार, ही इज सो गुड दैट लिटिल बॉय। यू नो NFTs के बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी फ्रैंकली स्पीकिंग, ओके, एंड व्हेन ही टोल्ड मी अबाउट दिस फिल्म
And he said NFT funded. I still didn't understand. What you all will get to see in this film is the fact that it explains what NFT is about. Yahi nahi ki sirf ye world's first NFT funded film hai, lekin you will get that knowledge also in a very beautiful way. They have put it in the film. So ye koi documentary aur aisa bhashan dene wala nahi hai ki NFT kya hai. But in a very lovely way you will find out what that is also about. Bahut hi heartfelt film hai. The music is really beautiful, really, really beautiful. Chota sa film hai, but you know, it's really been lifted up with the music, and the performance is also really brilliant, especially, you know, the little boy who plays Krishna, really, really wonderful. I'm so, so proud of Vishal. I mean, Vishal ke saath to bahut, bahut saalon se connection hai. Hip Hip Hooray mein, you know, jab unka, when he was launched, shall we say, by Nupur Asthana, jo yahan pe hai. मैं उसकी प्रोफेसर थी उसमें अलक नंदा मैम और तभी से यू नो वन हैज़ बीन सपोर्टिंग ऑल ऑफ द किड्स रुशाद राणा पूरब कोहली पी आर आई चौधरी श्वेता सालवे सब इसी सीरियल में शुरू हुए थे उनके करियर्स एंड तो अच्छा लगता है कि यू नो 25 साल बाद ये जो बच्चे थे और अब बड़े हो गए एंड दे आर मेकिंग समथिंग सो फैंटास्टिक एंड आई एम जस्ट सो सो प्राउड ऑफ हिम एंड सो प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस Thank you so much. I have to see the film before I comment on the film. But if I know Vishal, he must have made a very good film. Vishal, we go a long way back. Yeah. I had to be here. And it was very tough landing up here today because I was doing a lot of other things today because I was actually recording a song on a Sunday. But Vishal said, you have to come here. You know, Vishal was in his first film, Ishq Vishq, which had music by me with Ken, yes, as a director. Yes. So we connected there. And after that, of course, entertainment ke liye kuch bhi karega. Vishal was hosting that fabulous show with me and Faraj, judges. Today, I'm mighty impressed, very happy to know that Vishal has literally evolved. Because from acting, from being a host, he's today turned into a director. And I'm actually yearning to see the film because if I know Vishal, he has aesthetic sense. He understands music, he understands filmmaking. We've also had some discussions on what he would do in terms of making a film. And today, right here, I'm actually going to speak about the film the moment I see the film will come out. But I want to congratulate Vishal for really taking this leap of faith and being where he is today. Congratulations, Vishal. Thank you, sir. And thank you, all you. The best to you and to your team. Thank you. Thank you. I want to say that, Samarth is the music director of this film. Samarth, congratulations. Just want to say, I want to introduce him. Such a young age, and I want to wish him all the best, Samarth. God bless you with a lot of success. Thank you, sir. And Samarth, I'll say this with apology, but I always wanted and I aspired that I would get somebody of the stature of Mr. Anu Malik to do the music for our film and being the first film. But as you all know, somebody who's been rock steady for I think the last 30 years in our film industry and giving repeated hits, and it's not easy to be here for so long. A person who's this busy even at this stature, right? It becomes very difficult to coordinate and things like that. But right now, in front of everybody, Anuji, I want to promise me that the next one, you'll take out time to please, this time at least, 100. Keep your promise. I promise you. There you go. I'm there with you. Thank you. And thank you for the offer. Thank you. Vishal. Thank you. It'll be an honor. It'll Done. Be an honor. Done. Thank you very, very much. Ladies Done. And gentlemen, Mr. Anu Malik, who's absolutely fantastic. टोरियल डेब्यू है तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ, प्राउड हूँ एंड आई थिंक इट्स सच अ लवली थिंग कि वो NFT में इतने डीप घुसे हुए हैं और इन्होंने बड़ी स्मार्टली इस फिल्म के ज़रिए लोगों को समझाने की कोशिश की है कि NFT क्या होती है. बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग, एज ए ले पर्सन, मुझे भी इस फिल्म से पहले पता नहीं था कि NFT क्या है. वॉट इज़ एग्जैक्टली अ नॉन फंजेबल टोकन. तो आई थिंक इस फिल्म के ज़रिए बहुत स्वीट तरीके से इन्होंने लोगों को समझाया कि वॉट NFT इज़ ऑल अबाउट. एंड जैसा कि इन्होंने बताया, ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि एक NFT फंडेड फिल्म इन्होंने
बनाई है. सो आई एम जस्ट वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड फॉर हिम. और मैं सोच नहीं सकता कि जिसके साथ मैंने 23 साल पहले अपने करियर की शुरुआत की थी वो आज लाइफ में इतना आगे बढ़ गया है. आई वुड जस्ट लाइक टू विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट. सर थोड़ा पीछे हो जाएंगे. I'll keep looking there. Okay? एक बच्चा तो मैं सर. एक बच्चा. मैं बस. इधर इधर इधर. या देखिए. या. Don't move. मनोज भाई इधर देखो.